और देरा से दे रहे हैं आपको अहम अपडेट। इस वक्त का राजेश शर्मा के टिकट कटने के बाद आंसू झलक आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा था कि मुझे टिकट दे रहे हैं। टिकट कटने के बाद राजेश शर्मा को पैनिक अटैक भी आया। राजेश शर्मा देहरा अस्पताल में भर्ती हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा था कि मुझे टिकट देंगे। अब टिकट कटने के बाद राजेश शर्मा को पैनिक अटैक आया है और उन्हें देहरा अस्पताल में भर्ती किया गया। अहम अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त का देरा से दे रहे हैं। के टिकट कटने के बाद आंसू छलक पड़े। उन्हें पैनिक अटैक भी आया और उसके बाद उन्हें देरा अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री ने कहा था कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। गोल मोड़ बात करने नहीं आती, जिस कंसर्न में उसकी बात नोट करें। हम मम्मी से पूछते हैं क्या बीमारी है और इलाज करते हैं। मैं भी अपनी बीमारी लेके मैंने भाई साहब क्या आदेश है कोई मैं तो देखा डॉक्टर साहब ऐसा है कि हम आपको टिकट दे रहे हैं। आदेश से समझ गए कि मैं टिकट के बारे में पूछ रहा हूँ, बोले आपको टिकट दे रहे हैं। मैं एकदम परेशान हो गया कि ये आदमी जो एकदम से कुछ बोलता नहीं है, पिछले 17 में कुछ नहीं बोले, 22 में कुछ नहीं बोले, 24 में ये बोला देखते हैं करते हैं देखते हैं करते हैं। ये आदमी दिल का सच्चा है, इन लोगों ने बोला था, ये बोल देता तो हटता नहीं अपने आप बात के बीच में। मेरा भी प्रश्न यही है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ईमानदार व्यक्ति हैं, जो बोलते हैं उससे पीछे नहीं हटते हैं। मैं एकदम से सन्न हो गया, मैंने भाई साहब कब तक, उन्होंने बोला 2 या 3 दिन।